Good morning, everyone. Main hu Dr. Fazeela Abbasi, aapki dermatologist, once again with a lot of emails, a lot of questions about your skin and your hair. I hope aap winter enjoy kar rahe aur aapko aapke hair aur skin zyada problems create nahi kar rahe, because maine to apni puri koshish ki hai ki aapko main jitne tips de paun main de sakun, aur uske upar ab amal karna aapke upar depend karta hai. Aaj viewers main aapse do baatein बताना चाहूंगी. एक तो ये कि जो आपके ईमेल्स मुझे आ रहे हैं उसमें आपने एम्फेसाइज किया है हर दूसरे ईमेल में कि मैं इंग्लिश के अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो उसके ऊपर अब हम बिल्कुल कट डाउन मैं करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितने इजी लैंग्वेज में आपको बता सकूं मैं समझाने की कोशिश करूंगी. दूसरा जो ईमेल्स के अंदर जो टॉपिक बहुत ज्यादा लोग उस पर बात करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, दैट इज अबाउट स्किन वाइटनिंग एजेंट्स, के रंग गोरा करने वाली क्रीम्स के बारे में उनको बताया जाए. रंग गोरा करने का क्रेज पूरी मेरे ख्याल से हमारे ना सिर्फ एशियंस में बल्कि आप देखें तो अफ्रीका में, सऊदी अरब और यूएई में तमाम औरतों को और मर्दों को क्रेज है. और कहते ना कि जो अल्लाह ने आपको चीज नहीं दी होती आप उसके लिए अर्ज करते हैं, उसको लेने की ख्वाहिश करते हैं. और अगर आप गोरी स्किन वालों को देखें तो वो टैन हो रहे होते हैं, अपने आप को अपने कलर को डार्क कर रहे होते हैं और हम लोग लाइट करने के चक्रों में. वाइटनिंग एजेंट्स और वाइटनिंग क्रीम्स बिल्कुल होती हैं, उनका इफेक्ट भी होता है, मगर कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करने चाहिए, वो कौन से स्किन लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो आपके लिए सेफ हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी. केमिकल्स के नाम इसलिए लेना जरूरी है ताकि जब आप पढ़ते हैं उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जब आप डिस्कशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किधर खड़े हैं. सबसे पहले जो सबसे कॉमन आज तक स्किन वाइटनिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है उसे कहते हैं हाइड्रोक्विनोन. डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है, यूजली 2% से स्टार्ट कर दिया जाता है. और ये हाइड्रोक्विनोन जो एजेंट है ना सिर्फ स्किन व्हाइटनिंग क्रीम, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स में है, बल्कि आजकल लोगों ने सन ब्लॉक्स में या कंपनीज ने सन ब्लॉक्स में डाल दिया है. आपके जो बॉडी के मॉइस्चराइजर्स हैं आपने अक्सर देखा होगा कि ये रंग गोरा करने वाली बॉडी लोशन है, ये रंग इसके अंदर लाइटनिंग एजेंट्स हैं और साथ आपके सन ब्लॉक में उन्होंने डाल दिया कि आपकी पिगमेंटेशन को भी सॉल्व करेंगे. अब इसमें बहुत आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि हाइड्रोक्विनोन जैसे ही उसका एक्सपोजर सनलाइट से होगा, धूप से या हवा से, उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी और बजाय इसके कि वो आपको फायदा दे उल्टा वो आपको इरिटेशन करेगा, स्किन पे नुकसान करेगा. तो सबसे पहली बात ये कि जब आप उसको अप्लाई करें, अगर इट्स अ मस्ट कि डॉक्टर ने दे दिया है आपको हाइड्रोक्विनोन, तो हमेशा कोशिश करें कि आप थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन से, थोड़े परसेंटेज वाली 2% से स्टार्ट करें. उसके अलावा रात को लगाएं, उसके एक्सपायरी डेट देखें कि वो कहीं एक्सपायर है, उसका कलर तो ब्राउन नहीं हो गया, चेंज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी कम होकर वो उल्टा आपको इरिटेशन करना शुरू करते. नंबर 4, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ब्लीचिंग क्रीम्स इज कि आप उसमें स्पॉट टेस्टिंग करें. स्पॉट टेस्टिंग का मतलब ये है कि ब्लीचिंग क्रीम आप जरूर लगा लें मगर अपने किसी एक एरिया पर लगाएं. रात को मैं हाइड्रोक्विनोन की बात कर रही हूं, एक एरिया पर लगाएं और हर रात अगले रात उसको रिपीट करें. हर अगले रात, सॉरी अगेन वी हैव गॉट अ कॉल. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मैं लिशबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. लिशबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक. आप सुनाइए, कहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. फजीला, मेरा सवाल ये है कि मेरे चेहरे पर झाइयां हो रही है ना, ठीक है, तो मैं डॉक्टर ने मुझे क्रीम दी है तो कम करने के लिए झाइयां, लेकिन और ज्यादा हो गई है, तो आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए. ओके लिशबा, थैंक यू फॉर कॉलिंग. अच्छा अब लिशबा जो व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही है, मैं अभी उसी की बात कर रही थी कि अब हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज है. अगर तो हाइड्रोक्विनोन है तो वही मैं जो बताने लगी थी, स्पॉट टेस्टिंग आपका लिशबा फॉर्चुनेटली उसी वक्त क्वेश्चन आ गया. तो ब्लीचिंग एजेंट्स आपके जहां छाइयों को कम करते हैं वहां पे अगर आपको सूट नहीं करते तो आपको इरिटेशन के बाद वहां पे पिगमेंटेशन को बढ़ा सकते हैं, तो प्रॉब्ली आपके साथ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया होगा. इसीलिए मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि गो फॉर स्पॉट टेस्टिंग, कि आप अपने एक ही जगह पे स्पॉट एक चुन लें अपने किसी भी छाई पे और उसके ऊपर हर रोज रात को आप ब्लीचिंग एजेंट जो भी आपको क्रीम दिए उसको आप अप्लाई करें और मॉनिटर करें कि मेरी छाई तेज तो नहीं हो रही, मुझे बहुत ज्यादा बर्निंग, इचिंग, रेडनेस तो नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो सूट नहीं कर रही. फिर किया क्या जाता है कि अगर इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए
स्टेरॉइड्स भी थोड़े से ऐड कर दिए जाते हैं. फिर अक्सर आप देखेंगे ब्लीचिंग क्रीम्स में रेटिनॉइड्स विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं. अब विटामिन ए डेरिवेटिव्स इटसेल्फ जो है वो इरिटेशन करते हैं, तो उसको काम डाउन करने के लिए उन साइड इफेक्ट्स को आपको स्टेरॉइड्स भी डाले जाते हैं. मगर इवन देन अगर किसी को सूट नहीं करते तो बड़ा क्लियर कट आपको पता चलता है कि एकदम से बर्निंग इतनी ज्यादा कि आप मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इचिंग रेडनेस छाई तेज हो जाएगी, इसका मतलब है कि स्टॉप. लेकिन बजाय इसके कि आप पूरे फेस पे अपना एक्सपेरिमेंट करें और अपने पूरे फेस को आप डार्क कर लें मजीद, तो बेहतर ये है कि आप एक स्पॉट टेस्ट करें, कम से कम एक हफ्ता अप्लाई करते जाएं, देखें अगर आपको लगता है कि आपकी छाई तेज नहीं हो रही और ये तमाम चीजें रेडनेस और इचिंग और ये सब नहीं हो रहा, तो देन यू कैन सेफली यूज इट, फिर उसको कंटिन्यू रखें. मगर जैसे मैंने कहा कि इसमें अक्सर मोस्टली इनमें विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं, फिर हाइड्रोक्विनोन है. अब ये तमाम चीजें क्या कर रही हैं, आपकी स्किन को मजीद सेंसिटिव कर रही हैं सूरज से, क्योंकि आपकी फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. तो अब इसके अगर आप कोई वाइटनिंग एजेंट इस्तेमाल कर रही हैं या ब्लीचिंग एजेंट इस्तेमाल कर रही हैं, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दें कि आपने एक अच्छा सन ब्लॉक विद अ गुड यूवीए एब्जॉर्बर विद अ गुड यूवीबी एब्जॉर्बर अपना उसका एसपीएफ को अच्छा देखते हुए अच्छे ब्रांड का अपने लिए जरूर चुने. ब्लीचिंग क्रीम जब भी आएगी साथ सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर आ जाएगा. अच्छा, हाइड्रोक्विनोन का एक मैंने एक और पिक्चर भी निकाली है. इसका साइड इफेक्ट इज कॉल्ड ऊक्रोनोसिस. ऊक्रोनोसिस में आपकी एक स्लेटी से रंग की जैसे ब्लूइश सा टिंज आता है, आपकी स्किन की डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है. एशियंस में भी देखा गया है मगर ज्यादा अफ्रीकन नीग्रोज में, क्योंकि उन लोगों को भी क्रेज है कि वो भी थोड़ा गोरा हो, तो उनके अंदर ये ज्यादा चीज देखी गई है ऊक्रोनोसिस. बल्कि आपके वो पिक्चर भी अभी देख रहे होंगे आप. एक तो ये साइड इफेक्ट है. अब ये मैंने कहा था कि 2% से स्टार्ट करें, तो 2% में भी ये चांस है कि आपको ये डिस्कलरेशन, क्योंकि इसके पीछे बेसिकली आपके स्किन के सारा नीचे से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स टूट जाते हैं और पिगमेंट सारा ट्रैप हो जाता है. अच्छा, अब इसका मतलब है कि कुछ सेफ वाइटनिंग एजेंट्स भी होंगे. अब उसके बीच में डिफरेंट नाम है, जैसे कोजिक एसिड है, उसके बीच में विटामिन सी आ जाता है, विटामिन ए आ जाता है, विटामिन ई, देन वी हैव गॉट दिस लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, आरब्यूटीन. ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो सेफ हैं एंड यू कैन अप्लाई देम. अब वो कई लेकिन ये महंगे हैं. तो अब कहने का मकसद मेरा ये है कि प्लीज ट्राई टू बी हैप्पी विद योर कलर अपने आप स्किन को. फिर वही बाबा मैं मॉइस्चराइजर की तरफ ध्यान दूंगी और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें. वाइटनिंग एजेंट्स बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं मगर विद अ प्रिकॉशन, विद अ स्पॉट टेस्टिंग, विद साथ सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करें और कोशिश करें कि जो मैंने आपको सेफ केमिकल्स बताए हैं, डॉक्टर से कहें कि आपको हाइड्रोक्विनोन और जिन पे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए वाइटनिंग क्रीम्स पे, प्लीज उसको अवॉइड करें. तो नाजरीन, होपफुली मैंने कोशिश की है कि मैं इसको जल्दी से आपको कवर अप करके तो थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस दूं एंड आई होप के आप इस पे अमल दरामद भी करेंगे और इसके साइड इफेक्ट से बचने की कोशिश करेंगे. आई सी यू नेक्स्ट मंडे और इंशाल्लाह जो आपको सबसे जिसके ऊपर ज्यादा टॉपिक्स मुझे ज्यादा बात करने के लिए कहा जाएगा तो आई टॉक अबाउट दैट. लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड टेक केयर. खुदा हाफिज़.